वेलकम बैक फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट्स में हमने सीटेट पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन जुलाई 2019 में पूछे गए मैथमेटिक्स गणित के प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्देश एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यानी प्रश्न संख्या 30 से 60 के उत्तर या सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। प्रश्न संख्या 30, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। ऑप्शन एक, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। ऑप्शन दो, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। ऑप्शन तीन, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। ऑप्शन चार, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बिठाकर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। प्रश्न नंबर 32, कक्षा 3 के छात्रों ने 16x25 का गुणन इस प्रकार किया। 16x25 बराबर 8x2x5x5 बराबर 8x5x2x5 बराबर 40x10 बराबर 400। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। ऑप्शन एक, साहचर्य सिद्धांत। दो, पुनरावृत्ति योग। तीन, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। चार, वितरण सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, साहचर्य के सिद्धांत का इस गुणन को पूरा करने में छात्र ने प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है एक, वर्ग समावेश। दो, संरक्षण। तीन, मापन। चार, वर्गीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, मापन प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं होता है, जबकि वर्ग समावेश, संरक्षण, वर्गीकरण ये प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 34, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कथन ए, संख्यांक एक प्रतीक है जिससे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए शुद्ध और बी अशुद्ध हैं। ऑप्शन दो, बी शुद्ध और ए अशुद्ध हैं। ऑप्शन तीन, ए और बी दोनों शुद्ध हैं यानी सत्य हैं। ऑप्शन चार, ए और बी दोनों अशुद्ध हैं या असत्य हैं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, ए और बी दोनों शुद्ध हैं यानी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। ऑप्शन एक, मानस दर्शन। ऑप्शन दो, कंठस्थ करना। ऑप्शन तीन, आकलन करना। ऑप्शन चार, पक्षांतरण। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रम नहीं है, क्योंकि मानस दर्शन, आकलन करना, पक्षांतरण ये सभी गणित प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर छत्तीस, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। कथन ए, एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे होंगे। और कथन बी है, एक 9950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत बजट के बाद 375 रुपये में वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या होगी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कथन ऑप्शन ए, ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दो, दोनों ही योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन तीन है, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन चार, ए योग की संवर्धन रचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, जबकि बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 37, जीन प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानें। ऑप्शन एक, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। ऑप्शन दो, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। ऑप्शन तीन, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। ऑप्शन नंबर चार, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। प्रश्न नंबर 38, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को
एक अध्यापक कक्षा चार के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार वर्गों में या समूह में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? ऑप्शन एक क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप, ऑप्शन दो क्षेत्रफल परिमाप आयतन, ऑप्शन तीन क्षेत्रफल आयतन लंबाई, ऑप्शन चार आयतन क्षेत्रफल लंबाई। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक क्षेत्रफल गुणनफल और परिमाप। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? ऑप्शन एक चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, ऑप्शन दो विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ऑप्शन तीन कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, ऑप्शन चार प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो विवेचन करना, चर का प्रयोग करना एवं प्रतिरूप देखना। प्रश्न नंबर 40, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की समस्याओं का संकेत करते हैं वह है? ऑप्शन एक स्थानीय मान, ऑप्शन दो ज्यामितीय चिंतन, ऑप्शन तीन भिन्न, ऑप्शन नंबर चार संख्या की संकल्पना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो ज्यामितीय चिंतन वॉन हेले के स्तर की अवधारणाओं के अंतर्गत आता है ज्यामितीय चिंतन। प्रश्न नंबर 41, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम ऑप्शन एक कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन दो गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीन छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर चार छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार छात्रों को प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 42, दशमलव दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणा 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पनाओं को समझने के लिए कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? ऑप्शन एक टेलर का गिनतारा, ऑप्शन दो संख्या चार्ट, ऑप्शन तीन ग्राफ पेपर, ऑप्शन चार डायनिस ब्लॉक्स। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन ग्राफ पेपर। दो अंकों की दशमलव संख्याओं को या गुणन को समझने के लिए सबसे अच्छा है। प्रश्न नंबर 43, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? ऑप्शन एक विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ऑप्शन नंबर दो ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीन मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन नंबर चार ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन मुख्यतः ऐसे समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। प्रश्न नंबर 44, गणितीय अध्यापन के विषय या प्रभाव बनाने के लिए गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ऑप्शन नंबर दो छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीन प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, नंबर चार एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए, यह विशेषता गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए नहीं हो सकती। जबकि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप को केंद्रित होना चाहिए, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 45, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं और 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? ऑप्शन 120, 80, 20, 40। प्रश्न का सही उत्तर होगा 40। कुछ इस तरह से इसका हल यहाँ पर कर सकते हैं। माना कुल छात्र हैं एक्स, कुल छात्र एक्स हैं, इसलिए एक्स अपॉन 16, एक्स अपॉन 4 बराबर 160
कुल छात्र एक्स, इसलिए एक्स बटे चार बराबर, यानी शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या एक्स बटे चार, वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या होगी एक्स बटे चार बराबर 160। इसलिए कुल छात्रों की संख्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स बराबर चार गुणा 160 बराबर 640। अब यहाँ से हम शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर होगी 1/16, यानी कुल छात्र संख्या का 1/16 बराबर 640 बटे 640 बटे 16 बराबर 16 चौका 64, 40। तो शतरंज खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या होगी 40, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 46, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे? ऑप्शन है 1/75, 2/72, 3/35, 4/68। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 75 चतुर्थांश होंगे। कैसे? 18 सही 3/4 का हम इसको साधारण भिन्न में बदलने पर यह आता है 75/18 चौक 72 और 3/75, 75/4। इसलिए उत्तर होगा 75 चतुर्थांश होंगे इसमें। प्रश्न नंबर 47, दिए हुए अंक 2, 3, 4, 6, 7, 8 निम्न में रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। ऑप्शन 1 1605, 1560, 1308, 808। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1605। कैसे? अगर हम इस तरीके से इन अंकों को व्यवस्थित करें, 8, 7, 6, 4, 3 और 2, इन सबको हम जोड़ देते हैं तो 5, 3, 2, 5, 4, 6, 10, 8, 7, 15 और 1, 16, 1605 ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक भेजने के लिए जाती है, डाक की दर इस प्रकार चित्रित की गई है। पत्र का भार नंबर 1 20 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये, नंबर 2 प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं, पार्सल भार 1 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये दिए जाते हैं, नंबर 2 प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं। दीपा 2 पार्सलों क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम के भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है, उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? ऑप्शन 1 48, ऑप्शन 2 39, ऑप्शन 3 49, ऑप्शन 4 41। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 49 रुपये। इस तरह से नंबर 1 2 पार्सलों के लिए, पहले पार्सल के लिए यानी 250 ग्राम वाले पार्सल का टोटल खर्चा होगा उसका 5 + 12 रुपये यानी 17 रुपये हो गए, और दूसरे पार्सल के लिए उसको देना होगा 300 ग्राम के लिए 5 + 15 यानी 20 रुपये, और पहले पत्र के लिए उसे देना होगा केवल 5 रुपये, 50 ग्राम का है वजन उसका, उसके लिए उसे देने होंगे 20 ग्राम वजन के लिए उसे देने होंगे 20 ग्राम के लिए उसे देने होंगे 5 रुपये, और नंबर 4 35 ग्राम वजन के लिए उसे देने होंगे 7 रुपये। इन सब का जोड़ आ जाता है 49 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 49,
50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? ऑप्शन एक 50, ऑप्शन दो 0, ऑप्शन तीन 100, ऑप्शन चार 25। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन 100 होगा। जैसे 50 में मान लो हम एक जोड़ देते हैं तो आता है 51, 51। और 50 में से हम उसी संख्या को यानी एक को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 49। अब 49 और 50, 51 को हम जोड़ते हैं तो हमें 100 मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीन सही है। प्रश्न नंबर 50, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। स्टेशन आगमन प्रस्थान, नई दिल्ली से चलती है 15:55 पर यानी सुबह को 3:00, दोपहर के 3:55 पर, और भोपाल पहुंचती है शाम को रात को 23:55 पर, और वहां से चलती है 12:05 पर। नागपुर पहुंचती है सुबह को 5:25 पर और वहां से फिर प्रस्थान करती है 5:35 पर। विजयवाड़ा पहुंचती है दोपहर को 2:00 यानी 14:15 पर और वहां से 14:30 पर चलती है चेन्नई के लिए। चेन्नई पहुंचती है रात को 20:45 पर, जहां उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15:10 का है। ऑप्शन नंबर दो, नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11:30 का है। ऑप्शन नंबर तीन, भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 21:40 का है। ऑप्शन नंबर चार, भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13:10 का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15:10 का है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में निरूपित व्यवस्थित हैं या निरूपित करती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इनमें जो सही संख्या है, सही उत्तर है, वो है ऑप्शन नंबर एक 30.5, 3.50, 3.055, 3.05, 3.005 और 0.0355। ये अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम में सभी संख्याएं व्यवस्थित हैं। प्रश्न नंबर 52, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम यानी 2.1 किलोग्राम किशमिश, 2.2 किलोग्राम काजू मिला दिया, मिश्रण बना दिया। इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट यानी 24 पैकेट बना दिए गए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? ऑप्शन 400 ग्राम, दो 450 ग्राम, ऑप्शन तीन 500 ग्राम, ऑप्शन चार 300 ग्राम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, 400 ग्राम के वो पैकेट होंगे। कैसे? 5.3 किलोग्राम को ग्राम में बदलने पर ये हो जाएगा, कुछ इस तरह से इसका हल हम कर सकते हैं। 5.3 किलोग्राम बराबर होगा 5300 ग्राम, 2100 ग्राम और 2.2 किलोग्राम बराबर 2200 ग्राम, सभी का टोटल हो गया 9600 ग्राम, इतने ग्राम। अब इसको हमने 24 बराबर पैकेटों में बांटना है, जिससे इसका उत्तर आता है 400 ग्राम। हर पैकेट में 400 ग्राम मिक्सर भरा जा सकता है। प्रश्न नंबर 53, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, बीकर की धारिता क्या होगी? ऑप्शन एक 50 लीटर, ऑप्शन दो 100 लीटर, ऑप्शन तीन 28 लीटर, ऑप्शन चार 14 लीटर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, 28 लीटर उस बीकर में कुल पानी भरा जा सकता है। कैसे? कुछ इस तरह से किस प्रश्न का हल हो सकता है। मान लिया बीकर की धारिता है एक, उसमें से हमने उस पार्ट को माइनस कर देना है 3/7 भाग को जो पानी से पहले से भरा है। 1 - 3/7 = 4/7। अब 4/7 भाग को पूरा भरने के लिए कुल पानी की जो आवश्यकता होती है वह है 16 लीटर। 16 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर इसको हल करने पर आ जाएगा 16 7 × 16 = 4 =
7 × 16 बराबर 112, 112 लीटर। अब यहाँ से हमने L का मान अगर हम यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगा 112 बटा 4 बराबर 28 लीटर। तो उस बीकर की कुल धारिता होगी 28 लीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। नंबर 54, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने शपथ सप्ताह बचत करनी होगी। ऑप्शन 1 35, ऑप्शन 2 30, ऑप्शन 3 40, ऑप्शन नंबर 4 25। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न का सही उत्तर है उसे 35 हफ्ते तक बचत करके 5950 रुपये इकट्ठे कर सकेगी। कुछ इस तरह से पहले हफ्ते में उसकी कुल बचत होगी 50 रुपये प्लस 100 रुपये प्लस 80 रुपये माइनस 60 रुपये बराबर 170 रुपये। वह हर सप्ताह 170 रुपये बचाती है, इसलिए 5950 रुपये बचाने के लिए या इकट्ठा करने के लिए उसको कुल सप्ताह की ज़रूरत होगी 5950 बटे 5950 बटे 170 बराबर 35। अगर हम 170 से 5950 को डिवाइड करते हैं तो 35 आता है, इसलिए उसे 35 हफ्तों तक बचत करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 55, मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3, 4, 6 का सर्वगुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 56, ऑप्शन नंबर 2 24, ऑप्शन नंबर 3 36, ऑप्शन नंबर 4 48। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वह संख्या 36 होगी क्योंकि 36 3, 4, 6 का सर्वगुणज है और साथ ही इसके 9 गुणनखंड हैं, क्योंकि हम 36 को 36 से पूरा डिवाइड किससे कर सकते हैं? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 9 से, 12 से, 18 से और खुद 36 से। तो ये 9 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्रश्न नंबर 56, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? ऑप्शन है 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, दुगना और समान रहेगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दुगना हो जाएगा, उसका परिमाप दुगना हो जाएगा, क्योंकि अगर हम वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप होगा 4 × 10 बराबर 40, और अगर हम इसको डबल कर दें यानी 20 कर दें तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 × 20 बराबर 80, एकदम पहले का दुगना। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं होती हैं? ऑप्शन 1 X, ऑप्शन 2 C, ऑप्शन 3 Y, ऑप्शन 4 A। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 X में। प्रश्न नंबर 58, यदि 11,011 का होल ट्वाइस बराबर होगा होल 10 i, यानी स्पेस में क्या आएगा? ऑप्शन 1 27, ऑप्शन 2 30, ऑप्शन 3 33, ऑप्शन 4 22। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, स्पेस में यानी रिक्त स्थान में 27 संख्या आएगी। प्रश्न संख्या 59, कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना को समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? कथन ए, चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट पर लिखना। कथन बी, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना।
कथन सी चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो बी सी ए यानी सबसे पहले ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटेंगे फिर उसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे स्टूडेंट्स को फिर अंत में चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट पर लिखा जाएगा। ये कक्षा तीन में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना को समझाने का सही क्रम होगा। प्रश्न नंबर 60 72 × 28 = 36 × 4 × खाली जगह में कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन ए कथन ए 7 का गुणज है बी 1 अभाज्य संख्या है सी 10 से कम है डी 1 सम संख्या है ई 56 का गुणनखंड है। निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1 ए बी डी ऑप्शन 2 सी डी ई ऑप्शन 3 ए डी ई ऑप्शन 4 ए बी सी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए डी ई यानी कि रिक्त स्थान में 7 का गुणज ऐसी संख्या आएगी जो 7 का गुणज है। दूसरा 1 सम संख्या भी वह हो सकती है। तीसरा वह 56 का गुणनखंड भी हो सकती है।